गुड़िया, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गुड़िया जानी पे। और फ्रेंड्स, आज का जो मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। और मैंने 10 रुपीज़ मेकअप लुक से दो जो है आप लोगों को मेकअप बताए हुए हैं, एक ब्राइडल मेकअप लुक और एक जो है पार्टी वेयर मेकअप लुक, जो 10 रुपीज़ के मेकअप से ही आप कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि 10 रुपीज़ में कोई भी अच्छा सा मेकअप नहीं हो सकता है और ब्राइडल मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, बट एक मैंने कोशिश की है करने की। आई होप आप लोग को ये मेरी कोशिश पसंद है। अगर आप लोगों को मेरी कोशिश पसंद है तो आप लोग को करना कैसे, अपने अपने फ्रेंड लोगों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, अपने जानने वालों के साथ में आपको सिर्फ वीडियो को शेयर कर देना है और लाइक कर लेना है वीडियो को। और जहाँ जहाँ भी आप लोग एक्टिव हैं वहाँ वहाँ पे आपको जाके इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो ज़्यादा बातें ना करती हुई मैं बढ़ती हूँ अपने वीडियो के लिए। और जो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ किए वो सारे लोकल मार्केट के प्रोडक्ट हैं, तो मैं लिंक कोई भी नहीं दे पाऊँगी आपको। कुछ मैंने यहाँ पे DIY करके जो बनाए हुए थे अपने प्रोडक्ट, वो ही मैंने यूज़ किए हुए हैं, तो वो प्रोडक्ट इसमें काउंट नहीं होंगे बिल्कुल भी, तो आप लोग उनको काउंट ना कीजिएगा। और आपको मेरी लिपस्टिक का कलर कैसा लग रहा है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ये भी DIY करके बनाई हुई है और इसका भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो अप कर सकते हैं और मेरा टिकटॉक आईडी पे मुझे फॉलो अप कर सकते हैं, सेम नाम से सेम आईडी है मेरी सारी, तो आप लोग वहाँ जाके मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ DIY अपना जो मैंने बनाया हुआ है मिस्ट, और इसे लेके मैं अच्छे से अपने फेस को जो है डिहाइड्रेट के ले रही हूँ। ये मेरा DIY है, मैंने खुद ही घर पे बनाया हुआ है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे पाउंड्स की क्रीम। अगर आपके जो है ऑयली स्किन है तो आप इसके भी कर सकते हैं, अगर आपकी जो है ड्राई है तो ही आप इसे यूज़ करें। तो बहुत ही हल्की सी मैं लेके लगा रही हूँ। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्पंज की BB क्रीम अपनी, और 10 रुपीज़ में यही फाउंडेशन है आपका सबसे अच्छा, और सारी चीज़ें इसी से, यही कंसीलर यही फाउंडेशन इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे हम। काफ़ी बटरी स्मूथ रहती है तो आपको मॉइस्चराइजर की वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें अप्लाई कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे जेट पाउडर यूज़ कर रही हूँ इसे सेट करने के लिए। थोड़ा आईज के पास अच्छे से लगा ले, क्योंकि यहाँ पे अक्सर क्रीज पड़ जाती है, तो एक्स्ट्रा जो भी होगा बाद में हम इसे डेस्कटॉप कर देंगे। उसके बाद मैं आईब्रो फिल करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, मैंने घर पे ही काजल को बनाया हुआ है, इसी से मैं अपनी आईब्रो फिल करूँगी। और थोड़ा सा इस तरह से ले लेना है, एक्स्ट्रा सारा निकाल देना है आपको। बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको जो है अप्लाई करना है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद मैं अपनी ये वाली ले रही हूँ 10 रुपीज़ की लिपस्टिक, और इसका ही मैं कलर लेके अपनी आईज पे अप्लाई किए ले रही हूँ। मैं एक ब्रश ले रही हूँ और मैं हल्का सा इसमें शेड ले रही हूँ, ये ब्लैक वाला ही काजल का हल्का सा, बहुत ही नॉर्मल सा, और लेके इसे मैं अपनी आईज में।
थोड़ा सा स्मोकी सा लुक मिल जाएगा आइस को। देन उसके बाद मैं अपनी यूज़ कर रही हूँ ये वाली लिपस्टिक और इससे मैं कंटूरिंग करूँगी। एनसी पाउडर से आपको सेट कर लेना है इसे। एनसी सेट को लेके मैं जो है ब्लश कर रही हूँ। आईलाइनर के लिए ये मेरा आईलाइनर है और ऐसे ही 10 रुपीज़ का ये मैंने लिया था मार्केट से, लोकल मार्केट से। मस्कारा के लिए मैं यही अपना काजल यूज़ करने वाली हूँ, इसे स्पूली में लेके इस तरह से। और मैंने काजल हैक्स का एक वीडियो भी डाला हुआ था, मैंने अपलोड किया है, तो वो लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अपने वाटर लाइन के नीचे भी आपको सेम कलर अप्लाई कर लेना है कुछ इस तरीके से। और इसी काजल को मैंने अपनी वाटर लाइन पर भी अप्लाई, एज काजल मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ यही वाला से। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ अपनी जो मैंने ग्लिटर लिपस्टिक बनाई हुई थी DIY करके पुरानी लिपस्टिक से, तो उसे ही यूज करूँ। इसका लिंक नीचे आपको लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और आई बटन में भी मैं देने की कोशिश करूंगी। हाइलाइटर के लिए भी मैं यूज कर रही हूँ अपना DIY हाइलाइटर जो मैंने बनाया हुआ है। तो इस तरह से मेरा पूरा ओवरऑल मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। ये वेडिंग के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं अपना 10 रुपीज मेकअप लुक, और इसे आप ब्राइडल के लिए भी यूज कर सकते हैं इस मेकअप लुक को कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका ये ब्राइडल मेकअप लुक कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है आप लोग को अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो आप लोग मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को मिलती है मेरी हर नोटिफिकेशन और आप होते रहे मेरे हर वीडियो से अपडेट। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए वॉचिंग, आई लव यू, बाय माय फ्रेंड्स।